हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। कैसे हम इसको, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत धीरे धीरे वन बाय वन इनके एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे। एक बार में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी आरडी शर्मा कोई भी बुक सॉल्व करना चाहें, आपसे सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, पहले कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूला को हमें याद करना है। तो जैसे सबसे पहले बात करें, यदि सेम आपको गिवन ए टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एन का मतलब क्या होता है? ए का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स बेटा? एन टाइम्स। ए इज मल्टीप्लाइड एन टाइम्स। आपको कहीं गिवन है ए टू द पावर माइनस एन, तो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन ए टू द पावर एन। तो यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाती है। आपको कहीं गिवन है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, इफ सेम बेस है हमारे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एम प्लस एन। इसी तरीके से डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सपोज एम इज ग्रेटर देन एन, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एम माइनस एन। अच्छा, इसे एम को नीचे लेके आ जाते हैं, ए टू द पावर एम को यहां पर, तो ये क्या हो जाता है? एन माइनस एम। आपको जैसे गिवन है ए टू द पावर एम होल पावर एन, कभी भी पावर के ऊपर यदि पावर दी हो तो ये हमारे पावर्स क्या हो जाते हैं बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू एन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमें कहीं इस तरीके से गिवन है ए इंटू बी या ए बी पावर एम, बेटा यदि आपको ऐसा गिवन है ए बी पावर एम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज ए पावर एम इंटू b पावर n। सिमिलरली आपको गिवन है a अपॉन b पावर m, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a पावर m अपॉन b पावर m। हमें कोई भी क्वांटिटी गिवन है, यहाँ आपका m लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर 1 अपॉन m। 2 लिखा होता तो 1 अपॉन 2, 3 लिखा होता तो 1 अपॉन 3, 4 लिखा होता तो 1 अपॉन 4। इस तरीके से बेटा कुछ हमें इन चीज़ों को याद रखना है, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज गिवन 6 टू द पावर 2 अपॉन 5 इंटू 6 टू द पावर 3 अपॉन 5। अब देखो आप बेटा यहाँ पर 6 टू द पावर 2 अपॉन 5 एंड 6 टू द पावर 3 अपॉन 5, यहाँ पर यदि आप गौर से देखेंगे तो दोनों के बेस क्या है हमारे? सेम। यदि सेम बेस होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया बेटा? 6 टू द पावर 5 अपॉन 5, और इसे लिख सकते हैं हम 6 टू द पावर 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 6। चलो अब नेक्स्ट आपको जैसे गिवन है 6 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 7 टू द पावर 1 बाई 2, ये क्या हो गया बेटा? इसमें कौन सा हमारा रूल लग जाएगा जो हमने अभी ये पढ़े हैं? तो ये हो गया बेटा ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, ये क्या हो जाएगा बेटा? a इंटू बी टू द होल पावर m, तो इसे क्या लिख देंगे हम? 6 इंटू 7। यदि हमारी पावर सेम होती है तो ये मल्टीप्लाई में जो आपके बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 इंटू 7 होल पावर 1 बाई 2, और वी कैन से डेट 42 होल पावर 1 बाई 2। चलो नेक्स्ट दिया हुआ जैसे आपसे 1 अपॉन 3 पावर 4 होल पावर 1 बाई 2, तो बेटा ये क्या होता है? ये पावर हमारा दोनों में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 पावर 1 बाई 2 अपॉन 3 पावर 4
1 by whole power 1 by 2, 1 का पावर कुछ भी हो सेम रहता है। अब देखो पावर के ऊपर पावर बेटा मल्टीप्लाई 3 power 4 into 1 by 2, ये क्या हो जाएगा 1/3² और 1/9। समझ में आ गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको गिवन है 3/4 whole power -3। तो देखो जब भी आपको ऐसा गिवन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 power -3/4 power -3। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 power 3/1/4 power 3, और ये हमारा लिखा जा सकता है 4 power 3/3 power 3। तो हो गया बेटा 64/27। वैसे आप एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि कुछ ऐसा गिवन है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। आप ये 3/4 है, यदि हम 4/3 कर देंगे तो जो आपकी पावर है रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स होने का मतलब क्या, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका +3। तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 4/3/3/3, तो ये हो गया हमारा 64/27। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2/11 whole power 4 into 11/3 whole power 2 into 3/2 whole power 3। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज 2/4 into 11/2 into 3/3 upon 11/4 into 3/2 into 2/3। अब देखो आप ध्यान रखोगे, अब जब भी सेम बेस होता है डिवीजन में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिधर ज़्यादा उसकी तरफ माइनस करेंगे। यहाँ देखे आएंगे आप 2/4 है, यहाँ 2/3 है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। चलो अलग अलग लिख देते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं हम 2/4 upon 2/3 into 3/3 upon 3/2 into, एक बार ऐसा कर देने फिर आप लोग डायरेक्टली करना सीख जाइए, 11/2 upon 11/4। अब देखो ये 4 - 3 कितना हो जाएगा बेटा 1, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर पावर कितना है ज़्यादा, इनटू यहाँ 3/3 है, 3/2 है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 3/1 इनटू। अब देखो पावर 11 की कहाँ जाता है, नीचे, इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा बेटा 11/2, तो 2 into 3 = 6 एंड 11/2 = 121। समझ में आ गया बेटा? तो कुछ इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन इज 2/55 into 2/60 - 2/97 into 2/18। इसकी वैल्यू हमें वैल्यूएट करनी है, क्या करेंगे, सेम बेस है पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2/55 + 60 - 2/97 + 18, तो ये क्या हो जाएगा 2/115 - 2/115, तो आंसर इज 0। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a = 2 and b = 3, हमें कुछ वैल्यूज़ को निकालना, तो फाइंड फर्स्ट इज a/a + b/b, सेकेंड इज a/b + b/a, थर्ड इज a/b एंड फोर्थ इज a/b whole power a। चलो आप इनको सॉल्व करिए बेटा, हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को रखते जाइए, बिल्कुल आसान है। देखो a की वैल्यू कितनी है, तो 2, तो 2/2 + 3/3 कितना हो गया बेटा, ये 4 + 27, तो आंसर इज 31। नेक्स्ट a/b, तो 2/3
प्लस बी पावर ए दैट इज 3 पावर 2, तो ये कितना हो गया बेटा 8 प्लस 9, तो आंसर इज 17। ए पावर बी तो 2 पावर 3, आंसर इज 8। ए अपॉन बी कितना हो गया बेटा 2 अपॉन 3, होल पावर ए इज 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो आंसर इज 4 अपॉन। तो बहुत ही आसान है। चलो अगला करते हैं हम। वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंट की हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखो क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ कुछ इस तरीके से, फर्स्ट इज 7 पावर n प्लस 2 माइनस 3 × 7 पावर n प्लस 1 अपॉन 20 × 7 पावर n माइनस 2 × 7 पावर n। हम इसे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 पावर n × 7 पावर 2 माइनस 3 × 7 पावर n × 7 पावर 1। भाई सेम बेस में जब पावर मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो उसे दोबारा, सॉरी सेम बेस में यदि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा जा सकता है बेटा, 20 × 7 पावर n माइनस 2 × 7 पावर n। अब देखो आप 7 पावर n आप कॉमन ले लीजिए, 7 पावर n कॉमन लिए, ये बचा बेटा 7 स्क्वायर माइनस 3 × 7 इज 21 अपॉन, यहाँ पर भी हमने 7 पावर n कॉमन लिया तो ये कितना बचा बेटा 20, और यहाँ पर कितना आपका 2, तो ये 7 पावर n कैंसिल हो गया, तो 49 माइनस 21 अपॉन 18, तो 28 अपॉन 18 और 14 अपॉन 7। चलो हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का, 14 अपॉन 9। देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इज गिवन इफ 343 होल पावर 2 अपॉन n इज इक्वल्स टू 49, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू को हमें निकालना है, बेटा ये 49 हमारा क्या लिखा जा सकता है, 7 की पावर 2, तो फिर आप इसे खोजेंगे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यदि आप इसे देखेंगे तो बेटा ये लिखा जा सकता है हमारा 7 की पावर 3 अपॉन 2 पावर n, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7 to the power 6 upon n इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। जब सेम बेस होता है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, तो 6 upon n इज इक्वल्स टू 2 और 2n इक्वल्स टू 6 और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी। तो जैसे इसी तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो कि इफ 81 पावर 5 अपॉन n इज इक्वल्स टू 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 243 कैन बी रिटन एज 3 to the power 5, 81 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 to the power 4। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 × 5 × 4 कितना हो गया 20 upon n इज इक्वल टू 3 to the power 5, सेम बेस है इक्वल होने पर पावर भी इक्वल होनी चाहिए हमारी, तो 20 upon n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4। चलो और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमें कुछ ऐसे दिया हुआ हो, इफ 5 to the power 2x minus 1 माइनस 25 to the power x minus 1 इज इक्वल टू 2500, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे हम यहां पर बेटा x की वैल्यू को, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा 5 to the power 2x minus 1 माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2500। ये 5 की पावर 2 तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 2x माइनस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2500। अभी आपको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व कराते जा रहे, नहीं तो इतना टफ नहीं है, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा। आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप डायरेक्टली कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। चलिए ये इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 टू दी पावर 2x इंटू 5 टू दी पावर माइनस 1, 5 टू दी पावर 2x इंटू 5 टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2500। यदि यहाँ पर 5 टू दी पावर 2x कॉमन लें तो यहाँ क्या बचा बेटा, 5 टू दी पावर माइनस 1, 5 टू दी पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 5 टू दी पावर माइनस 2, 5 टू दी पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1/25 इज इक्वल्स टू 2500। देखो बेटा ये आ गया, तो यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो 5 टू दी पावर 2x इंटू 4/25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 5 टू दी पावर 2x इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 25/4, ये आपका 625 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 पावर 4 और ये हो गया हमारा 5 पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा 5 पावर 6। और x इज इक्वल्स टू 3। तो देखो बेटा इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी इक्वल्स टू 1 so that 1/1 plus a plus b to the power minus 1 plus 1/1 plus b plus c to the power minus 1 plus 1/1 plus c plus a to the power minus 1 equals to 1। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम इसे क्या करते हैं, इस पूरे को हम a और b के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलो हम इसे a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, कैसे करेंगे, तो ये हम किसकी हेल्प से, आपको गिवन है ए बी सी इक्वल्स टू 1। तो पहला देखो हमारा a और b के फॉर्म में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/1 प्लस a प्लस 1/b प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। पहले वाले को हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पूरा a और b के फॉर्म में है। हमने यहाँ पर बेटा b LCM ले लिया, जब आप b LCM लेंगे तो ये क्या b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा b अपॉन b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस b। अच्छा यहाँ से 1/c को क्या लिख सकते हैं, तो बेटा ए बी इज इक्वल्स टू, c को उधर ले गए हम 1/c, तो 1/c कैन बी रिटर्न एज ए बी प्लस 1/1 प्लस c, c को बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो, तो c कैन बी रिटन एज 1/ab, तो 1/ab प्लस 1/a। अब हमारा ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, a और b में, तो इसे तो वैसे ही रहने दिए b अपॉन, चलो इसे रीअरेंज करके लिख देते हैं 1 प्लस b प्लस ab, ये तो सेम है हमारा 1/1 प्लस b प्लस ab प्लस, या LCM क्या आएगा बेटा ab, तो ये ab ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा ए बी से प्लस 1 प्लस बी। अब आप देखो डिनोमिनेटर में सब जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया बी प्लस 1 प्लस ए बी, बोथ आर सेम, इट इज इक्वल्स टू 1। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे एक्सपोनेंट से रिलेटेड।